गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो हाथ में मेरा है क्या है, हैक्सो फ्रेम विद ब्लेड। इसका यूज तो तुम लोग किया ही होगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को दो या दो से अधिक टुकड़े में बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सहायता से हम लोग कटिंग करते हैं। ये मेरा क्या है, हैंड हैक्सो फ्रेम विद ब्लेड। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ब्लेड के साथ अगर किसी प्रकार का हम लोग छेड़खानी करते हैं, एक इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कटिंग एक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा ब्लेड अभी लगा हुआ है, इससे जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल का स्ट्रेट कटिंग। और हम लोग क्या, अधिक से अधिक वर्कपीस को घुमा के हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टेपर कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो एक एक्सपेरिमेंट इस पर करके दिखाने जा रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि यही हैक्सो फ्रेम रहेगा और ब्लेड रहेगा, जिसके सहायता से हम लोग कोई भी कर्व शेप में वर्कपीस को काटना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना अगर कोई और कटर का यूज किए हुए आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी हैक्सो फ्रेम विद ब्लेड की सहायता से कर सकते हैं। शेप का कटिंग करना हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो उसको आसानी से कटिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हैंड हैक्सो फ्रेम विद ब्लेड जो हमारा है, ये हमारा सिर्फ ब्लेड है, ब्लेड के साथ थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, ब्लेड का जो विड्थ है, चौड़ाई है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडर में ग्राइंड करते हुए इसके थिकनेस को कम करेंगे। उसका थिकनेस को कम करने के साथ ही क्या होगा, इसका कटिंग एक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमेशा स्ट्रेट कटिंग करने के लिए यूज हमारा आता है, और थोड़ा सा कभी कभी हल्का टेपर में भी हम लोग इसको सेट करके काट सकते थे वर्कपीस को घुमा के। लेकिन जब हम इसके विड्थ को घटा देंगे तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना वर्कपीस को घुमाए, वर्कपीस को स्ट्रेट बांधे, हम लोग राउंड शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, हाफ चांद में कटिंग कर सकते हैं, टेपर में कटिंग कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का हम लोग शेप में क्या हो सकता है, वर्कपीस को कटिंग कर सकते हैं। तो उसको कटिंग करने के लिए हम लोग कैसे इसको ग्राइंड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ब्लेड को हम लोग हैक्सो फ्रेम में फिक्स करते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडर को स्टार्ट करेंगे और इसका एक साइड को हम लोग क्या करेंगे, इसके विड्थ चौड़ाई को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। चौड़ाई को हम लोग जब कम कर देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा ये स्ट्रेट कटिंग कर रहा था वो हमारा कटिंग क्या करेगा, कर्व शेप में भी हमारा कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। इससे हम लोग क्या किया, उस ब्लेड को हम लोग चेंज कर दिए। ब्लेड को चेंज करने के बाद एक जैसे बोथ साइड टीथ वाला भी ब्लेड आता है, जैसे इसमें भी दोनों साइड टीथ है, इसमें हमारा सिंगल साइड टीथ है, तो सिंगल साइड वाले टीथ जो हमारा ब्लेड है उसको हम लोग यूज में लेंगे, और जिधर टीथ हमारा नहीं है उधर वाले साइड को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम लोग ग्राइंड करेंगे। तो हमारा क्या होगा, एक साइड टीथ तो हमारा बना हुआ रहेगा और अपोजिट साइड को हम लोग ग्राइंड करेंगे, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट हो जाएगा, उससे हमारा ये बेनिफिट होगा कि इसका चौड़ाई हमारा क्या है, पतला हो जाएगा, और उसको अगर आसानी से और आराम से हम लोग अगर वर्क करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये कोई भी शेप का कटिंग करना हो तो हम लोग का आसानी से कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर को पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके फेस को ग्राइंड करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, इसका चौड़ाई को हम लोग कम करने का कोशिश किए, इसी को हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअस करते हुए इसको पतला कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, ग्राइंड करते हुए पतला कर देंगे।
करने के टाइम में ये ध्यान रखना है, एक ही बार में इसका चौड़ाई को कम नहीं करना है, एक कंटिन्यूस में क्या करना है, धीरे 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 करके इसका चौड़ाई को कम करना है। एक ही जगह पे बार बार ज़्यादा टाइम पर रख के करेगा क्या होगा, ब्लेड का थिकनेस हमारा तो सेम रहेगा पर चौड़ाई एक जगह पे कम होने के कारण और ज़्यादा हीट होने के कारण ये क्या होगा, ब्लेड ही हमारा ग्राइंड करने के टाइम में टूट जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, देखो जैसे इसको हम लोग क्या किया, इसका चौड़ाई को हम लोग घटा दिए। अब हमारा ये चौड़ाई घटने के कारण क्या होगा, हम जब कटिंग करेंगे, कटिंग करने के टाइम में जैसे जैसे हेक्सो फ्रेम को हम लोग जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, जॉब हमारा कटिंग करते जाएगा। कोई भी हम लोग कर्व शेप हो, राउंड शेप में हो, आसानी से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। जैसे जनरली जो हमारा ब्लेड होता है ये चौड़ाई में होने के कारण क्या होता है, इसको जब हम लोग घुमाते हैं जब कर्व शेप देना चाहेंगे तो ज़्यादा डाया होने के कारण कर्व शेप में कटिंग भी नहीं कर पाता और ब्लेड हमारा टूटने का डर रहता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा चौड़ाई इसका कम गया। अब हम लोग इसको आसानी से कोई भी शेप में घुमाते हुए हम लोग कर्व शेप में, राउंड शेप में हम लोग कट कर सकते हैं। अगले कोई वीडियो में हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग कर्व शेप में या फिर राउंड शेप में कटिंग करते हुए एक वीडियो और बना देंगे। इस वीडियो में बस हम लोग ब्लेड को कैसे
ग्राइंड कर सकते हैं और हम लोग इससे कोई भी राउंड शेप को कटिंग कर सकते हैं, इसको आसानी से देख लिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।